दिल्ली के संगम बिहार इलाके में लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बस में तोड़फोड़ करी। इन लोगों का गुस्सा था कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया और बसों में और मेट्रो में 50% क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, संगम बिहार, हमदर्द, देवली, खानपुर, ये वो इलाके जहाँ से रोजाना हजारों लोग जो है बस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का सफ़र करते हैं। लेकिन सुबह के वक्त लोगों को जब अपने कामकाज के लिए निकलना पड़ा तो उनको घंटों बस का इंतजार करना पड़ा और इसी वजह से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जाम को खुलवाने के लिए पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हुई, जिसकी वजह से कई बसें जो हैं वो क्षतिग्रस्त भी हुई और जमकर लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए है दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है और उसकी की वजह से मेट्रो में भी काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं बसों के बाहर भी जो है लोगों को बस स्टैंड पर काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरें संगम बिहार की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज पुलिस के बीच जो है आम लोगों की झड़प हुई, जिसमें कि कई लोगों को चोटें आईं और वही गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी करी। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि बस स्टैंड पर घंटों यात्री खड़े थे और बसें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस वजह से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो राजधानी दिल्ली से आईं। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल जनता को मार रही है।